पोहरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने अतिवर्षा के चलते खराब हुई फसलों के मुआवजे को लेकर पोहरी तहसीलदार प्रेमलता पाल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। जल्द ही मुआवजा वितरित करने को कहा है, अन्यथा कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेंगे। बता दें कि पोहरी में कांग्रेस जिला महासचिव और जनपद सदस्य अरविंद वर्मा दुल्हारा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें बीते 3 दिनों से विधानसभा क्षेत्र में हो रही तेज बारिश से किसानों की फसल नष्ट हो गई है, जहां आगामी फसल की बोनी के लिए किसानों को लागत की समस्या आ रही है, जिसे लेकर तत्काल राहत राशि वितरित की जाए की मांग की गई है। कि सर्वे, बीमा, जायजा, ये लगातार 10 साल 15 सालों से 20 साल से बीजेपी की सरकार कर रही है। अब जायजा लेने का समय नहीं है, अब समय है मुआवजा देने का और तत्काल देने का, उनके खेतों में देने का। जायजा लेने का समय 20 साल था, आपने खूब लिए जायजे, अब जायजा लेने का समय नहीं है। मैं मांग करता हूँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि अब जायजा ना लें, वो तत्काल मुआवजा राशि, राहत राशि इन बेचारे जो खत्म हो चुके हैं किसान, जो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, बर्बादी के कगार पर खड़े हैं, इनके बच्चों के आगे पढ़ाई का कोई भविष्य नहीं बचा है, उनके खातों में सीधे पैसे डालें। मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही है, बैठकें भी हो रही हैं और अतिवर्षा को लेके लगातार वह अधिकारियों को भी निर्देशित कर रहे हैं, आखिर क्या आपको उनकी बातों पर विश्वास नहीं है, क्या कुछ है इसका ताजा था, पिछले साल का सर्वे अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। विश्वास जनता ने, मेरे विश्वास करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विश्वास जनता ने 20 साल किया है, अब जनता 6 महीने 8 महीने 10 महीने और विश्वास कर रही है और जनता इसका जवाब देगी। अगर आप मुख्यमंत्री जी को इतनी ही किसानों की परवाह है, क्योंकि किसान बेटा, किसान पुत्र, किसान मामा, किसान परिवार से आपको किसानों की इतनी चिंता है शिवराज सिंह जी, तो मैं आपसे मांग करता हूँ तो कोई सर्वे ना कराएं, सर्वे की कोई आवश्यकता नहीं, 100% फसलें खराब हो चुकी है। अब आप सर्वे करा रहे हो, आप जानते हो ये आफत की बारिश केवल पोहरी में नहीं हुई है, ये आफत की बारिश पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में हुई है। अब सर्वे की आवश्यकता नहीं है मेरे भाइयों, अब आवश्यकता है और सिर्फ किसानों के खाते में सीधे राहत राशि, मुआवजा राशि पहुंचाने की। हालांकि क्षेत्र वो भी देख लेते हैं, अगर जल्दी नहीं मिलेगी तो आपसे वादा कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता धरने पर बैठेगा, भूख हड़ताल पर बैठेगा, जो कर सकेगा वो करेगा। कितने दिन का अल्टीमेटम है कि किसानों को राहत राशि मिल जाए? हम देख लेते हैं, 2-5-7 दिन देख लेते हैं, अगर 5 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर इन्होंने मुआवजा राशि किसानों के खाते में नहीं भेजी तो कांग्रेस पार्टी पूरे उग्र केवल पौरी में नहीं होगी, पूरे मध्य प्रदेश में धरने प्रदर्शन आंदोलन करेगी।